वेलकम बैक टू एक्जोन क्लासेस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के, के अंदर स्पीशीज एंड जीनस को स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन विद स्पीशीज तो अनस्ट मेयर ने जब डेफिनेशन दी थी स्पीशीज़ की तो उसके अंदर ये बताया गया था कि स्पीशीज़ आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड दे ऑफन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्रिंग्स तो स्पीशीज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सभी के अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटीज प्रेजेंट होंगी इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी ठीक है तो अगर उनमें सिमिलरिटीज़ हैं सिमिलरिटी हैं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं तभी तो वो आपस में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे जब रिप्रोड्यूस करेंगे तभी वो फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे तभी वो स्पीशीज़ के डेफिनेशन को फुलफिल कर पाएंगे ठीक है एंड मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़ आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट यानी जो सेम स्पीशीज़ के मेंबर होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे और जबकि जो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर होंगे वो डिफरेंट होंगे मॉर्फोलॉजिकली भी जब हमने बाइनोमियल नोम पढ़ा था उस केस में मैंगो को एक साइंटिफिक नेम दिया था मैंजीफेरा इंडिका इस केस में हमने क्या देखा था कि जो फर्स्ट जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को और जो सेकंड वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को ठीक है तो ये दोनों टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज वो कैटेगरीज हैं हमारे टेक्सोनॉमिकल हायर की जो कि एक बेस फॉर्म करती है ठीक है तो इसी केस की के तरह हमने यहाँ भी देखा है कि जो सोलेनम जो है वो एक जीनस है और ट्यूबरोसम एंड मेलोजीना स्पीशीज़ हैं सिमिलरली पेंथेरा जो है वो जीनस है लियो पार्डस एंड टिग्रिस ये स्पीशीज़ हैं अब सोलेनम ट्यूबोसम साइंटिफिक नेम है पोटैटो का सोलिनम मेलोजीना ये साइंटिफिक नेम है ब्रिंजल का पेंथरा पार्डस जो साइंटिफिक नेम है वो है लियोपार्ड का एंड पेंथरा टाइग्रिस जो साइंटिफिक नेम है वो है टाइगर का तो ये हमने देख लिया स्पीशीज़ के बारे में कि भाई स्पीशीज़ वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं और साथ ही साथ वो क्या कर सकते हैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं दूसरी बात ये भी है कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था जब हमने टेक्सोनोमिकल हायरिकी को डिस्कस किया था कि जैसे हम स्पीशीज़ टू किंगडम मूव करते हैं वैसे वैसे सिमिलरिटीज़ डिक्रीज़ होती जाती हैं या फिर डिसिमिलरिटीज़ इंक्रीज होती जाती हैं या फिर हम जब किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ मूव करते हैं तो हम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म की तरफ बढ़ते हैं अगर रिटर्न में क्वेश्चन आता है अबाउट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज तो एक चीज़ ध्यान रखना कि एक जो अपर कैटेगरी है वो बनती है लोअर कैटेगरी के एग्रीगेशन से ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल जो जीनस है वो स्पीशीज़ के एग्रीगेशन से मिल बनता है सिमिलरली फैमिली जो है वो जीनस के एग्रीगेशन से होकर बनेगी तो इसलिए तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि जो लोअर कैटेगरी है ना वो मिलके एक हायर कैटेगरी का फॉर्मेशन करती हैं इन द टेक्सोनॉमिकल हायर नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जीनस की तो ये हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर होगा कि जो मैग्नीफेरा ये रिप्रेजेंट कर रहा था जीनस को और इंडिका रिप्रेजेंट कर रही थी स्पीशीज को अब नेक्स्ट जो हमारी एनसीआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि जीनस कंपेरिजन ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैव मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जिनेरा इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं ये दो जीनस लेके चलो आप जीनस ए एंड जीनस बी जीनस ए के अंदर तीन स्पीशीज हैं वन टू एंड थ्री एंड जीनस बी के अंदर भी तीन स्पीशीज हैं दैट इज एक्स वाई एंड जेड अगर हम कंपैरिज़न देखते हैं स्पीशीज़ नंबर टू एंड वाई का अगर टू और वाई का कंपैरिजन देखेंगे ना तो टू जो स्पीशीज़ है वो मोर सिमिलरिटी शो करेगी वन एंड थ्री के साथ वन एंड थ्री के साथ जबकि जो वाई जो है वो ज़्यादा सिमिलरिटी शो करेगी किसके साथ वाई एंड जेड के साथ एज कम्पेयरजन टू वन एंड थ्री और सिमिलरली ये है कि जो स्पीशीज टू है वो ज़्यादा सिमिलरिटी शो करेगा विद वन एंड थ्री एज कम्पेजन टू वाई एंड जेड बिकॉज दे बिलोंग्स टू सेम जीनस जीनस सेम है तो उनके अंदर क्या होगा कि सिमिलरिटी भी ज़्यादा होंगी सेम एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि जो सोलेनम है उसके अंदर ट्यूब्रोसम भी बिलोंग करता है दैट इज पोटैटो भी बिलोंग करता है एंड सोलेनम के अंदर ही मेलोजीना भी बिलोंग करता है दैट इज ब्रिंजल इन दोनों के अंदर ज़्यादा सिमिलरिटी होगी एज कम्पेयर टू एस्पार्गस सिमिलरली जो पेंथ्रा जो है वो एक जीनस है और उसके अंदर तीन स्पीशीज प्रेजेंट है दैट इज लियो स्टैंड फॉर लाइन पेंथरापेडिस स्टैंड फॉर लेपार्ड एंड पेंथ्रा टिकडिस स्टैंड फॉर टाइगर तो इन तीनों के अंदर ज़्यादा सिमिलरिटी होगी इन कंपेरिजन टू एनी अनदर ऑर्गेनिज्म क्योंकि इन तीनों का जीनस सेम है और इस टाइप के पैटर्न को जिसके अंदर स्पीशीज़ मोर देन वन होती हैं जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जीनस सेम है स्पीशीज डिफरेंट है इस टाइप के जीनस को हम कहते हैं पोली जीनस पोली टाइपिक जीनस इसका मतलब ये हुआ कि द जीनस विच हैज़ मोर देन वन स्पीशीज इज नोन एज पोलीटाइपिक जीनस इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें थैंक यू सो मच